चमकते दांत आपके चेहरे को आकर्षक बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर प्रवीण भाटिया हमें बताएंगे कि दांत पीले होने के कारण क्या हैं और इन्हें चमकदार बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। शाइनी टीथ के बारे में अक्सर हमसे पेशेंट्स इस बारे में जानकारी चाहते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे दांत बहुत सुंदर हों। जैसा भी भगवान ने दांत दिए, लेकिन सुंदर करने में कुछ हद तक आप लोग भी इसमें सहायता कर सकते हैं, डेंटिस्ट आपकी हेल्प कर सकते हैं। शाइनी टीथ इट्स नॉट ए डेंटल प्रॉब्लम। लोग अच्छा दिखने के लिए या अपने दांतों की स्माइल से खुश नहीं हैं, इसलिए शाइनी टीथ की एक्सपेक्ट करते हैं। इसमें बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से आपके टीथ गंदे हो जाते हैं। जैसे आप एक्सेस में टी लेते हैं, जेंट्स में स्मोकिंग की आदत रहती है, पान गुटका, एक दूसरे को देखा देखी ज़्यादा लोग पान गुटका खाते हैं तो वो हैबिट एक डेवलप हो जाती है। सपोज हम ऑयली फूड ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा लेते हैं, हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे दांत अक्सर थोड़ा जल्दी गंदे हो जाते हैं। समय रहते क्लीनिंग करें। स्केलिंग एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम एक अल्ट्रासोनिक वेव से और इरिगेशन की हेल्प से, वाटर इरिगेशन की हेल्प से हम उन दांतों को स्केलिंग करते हैं और उसके बाद फिर उसकी पॉलिशिंग हो जाती है। पॉलिशिंग करने के बाद अक्सर हम ब्लीचिंग एडवाइस करते हैं। ब्लीचिंग में एक प्रोसेस है जो चेयर साइड पे हो जाता है, होम ब्लीच भी होता है। उसमें हम एक प्रोसेस में 2 आवर्स का प्रोसेस है जिससे दांत ब्लीच हो जाते हैं, वाइटनिंग कहा जाता है उनको, और उनकी लॉन्गिविटी 3 to 4 years रहती है। इसलिए हमें ये प्रिकॉशन लेनी है कि टाइमली और रेगुलर विजिट्स बहुत आवश्यक हैं अगर आप अपने दांतों की सफ़ेदी को मेंटेन रखना चाहते हैं। और कैविटीज़ जब होती हैं वो भी नुकसान करती हैं, उसी की वजह से डिके एकोमुलेट होता है जो हमारे शाइनी दांतों की शोभा को ख़राब करता है। तो ब्लीचिंग और स्केलिंग इज़ द लेटेस्ट ट्रेंड्स। और इसके अलावा विनियर्स हो जाते हैं आजकल और कैपिंग हो जाती हैं जिससे आप अपनी दांतों की सुंदरता को बरकरार रख सकते हैं। दंत चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित और जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।